सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह के 5 बजते ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है। इसीलिए आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपको तो खबर पता चली जाएगी कि अखबार पे वो कौन सी खबर है जो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, चलिए सीधा खबर पे चलते हैं कि वो कौन सी खबर है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है। तो जी हाँ, राजस्थान से सबसे बड़ी खबर है जिसको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है। राज्यपाल से मिले सीएम, राजभवन में विधायकों ने की नारेबाजी। वहीं पर बड़ी खबर है सामने जिस तरह से निकल कर आ रही, कांग्रेस को क्यों आई नरसिम्हा राव की याद, सोनिया की तारीफ के मायने बड़ी कार्रवाई। वहीं बात करें कि कानपुर संजीव यादव हत्याकांड में आईपीएस सहित 11 सस्पेंड। बता दें आपको, दबाव में सत्र नहीं बुला रहे हैं गवर्नर, जनता घेरे तो हम जिम्मेदार नहीं। वही बड़ी खबर है, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में बिहार से खबर मिल रहा है तो अखबार सूना रहता है, इसीलिए बड़ी खबर है बिहार से, कहीं टूटे बांध तो कहीं बह गई सड़कें, जाने कहां कितनी तबाही, आपको सब पता चल जाएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वहीं पर कोरोना मृतक के परिवार को नहीं मिले नाई, लोगों ने एक दूसरे का किया मुंडन। कोरोना वायरस पर चीन मामले पर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। वही बड़ी खबर है आईपीएल को लेकर, 2020 पर बड़ा फैसला, 19 सितंबर का होगा आगाज, फाइनल मैच 8 नवंबर को। वही पर बड़ी खबर है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है, बैन पर बैन लगने से परेशान चीन, अमेरिका को बह सकता है टिकटॉक एप्लीकेशन। वहीं पर नवोदित कवियों के लिए डिजिटल काव्य कैफे 25 जुलाई को प्रविष्टियां आमंत्रित। हाल लगातार छठवें दिन बढ़ी सोने चांदी की कीमत, चांदी के दाम में गिरावट एक्सक्लूसिव। वहीं बता दें आपको, बॉलीवुड में बड़ा धमाका, सलमान कटरीना की फिल्म टाइगर 3 का ऐलान, मनीषा शर्मा बने डायरेक्टर। वहीं पर राजस्थान, राजभवन में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, कर रहे हैं नारेबाजी, गहलोत की राज्यपाल को धमकी, जनता राजभवन घेरेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव, सिर्फ लखनऊ में ही करीब 5,500 संक्रमित। कोरोना का डर, मृतक के परिवार को नहीं मिल पाए नाई तो एक दूसरे का किया गया है मुंडन। बता दें आपको बड़ी खबर, जिस तरह से राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन का विरोध। वहीं पर आईपीएल 2020 की तारीखों का ऐलान, आपको सब पता चल जाएगा यूएई में कब होगा पहला मुकाबला। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित, वकील सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय। वहीं पर दारा सुपेरिया की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे, आपको फोटो सब वीडियो के अंत तक देखने को मिल जाएंगी। बता दें आपको, और जिस तरह से न्यूज़ की मुहिम पर भारी समर्थन, अब तक 97 लाख से ज़्यादा मिस्ड कॉल। 2040 के तक महासागरों में डंप प्लास्टिक कचरा 3 गुना होने का अनुमान। विधायक हमें फोन कर बंधक से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं, अशोक गहलोत का बड़ा बयान। वहीं पर डायरेक्टर रूमी जाफरी से पूछताछ में खुले गए सारे राज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को गवर्नर से करेंगे मुलाकात, अपने विधायकों की परेड कराने से गहलोत ने इसके गवर्नर कलराज मिश्र से मांगा था वक्त। जी हाँ, जिस तरह से हमने आपको खबरें बताई, ये वो खबरें हैं जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो राजस्थान की है। तो चलिए हम आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को गवर्नर से मुलाकात करके अपने विधायकों की परेड कराने वाले हैं। गहलोत ने इसके लिए गवर्नर कलराज मिश्र से वक्त मांगा था, जिसके लिए उन्हें वक्त दे दिया गया है। वहीं पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जिस तरह शुक्रवार से मुलाकात करके अपने विधायकों की परेड कराने वाले हैं, गहलोत ने इसके लिए गवर्नर कलराज मिश्र से वक्त मांगा था, जिसके लिए उन्हें वक्त दे दिया गया है। गहलोत सारे विधायकों को लेकर
गवर्नर हाउस जाएंगे। बता दें कि अशोक गहलोत अभी गुरुवार की रात ही गवर्नर कलराज मिश्र से मिलने गए थे। गहलोत ने यहां पर दावा किया कि उनके बहुमत की संख्या है, जिसके बाद विधायकों के परेड की खबर आ रही है। जानकारी है कि अभी गहलोत अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। बात करने के बाद बसों से गवर्नर हाउस के लिए निकलेंगे। जिस तरह राजस्थान में सियासी संकट, सीएम अशोक गहलोत की गवर्नर से मुलाकात किया गया वक्त, राजस्थान में सियासी संकट, अशोक गहलोत की गवर्नर से मुलाकात के वक्त क्या बातचीत हुई वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस विधायक की परेड का, बीजेपी ने उड़ाया मजाक। कहा होटल में इस तरह शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस विधायकों की परेड का बीजेपी ने जमकर उड़ाया है मजाक। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। जानकारी है कि गवर्नर के अगले हफ्ते विधानसभा बुलाने का पत्र भी देंगे। गुरुवार को गवर्नर से 20 मिनट तक चली मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे, हमारे पास बहुमत है, सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और उनकी एकजुटता की वजह से हम परेड करेंगे। वहीं पर गहलोत ने यह फैसला शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट में पायलट खेमे को राहत देने वाले फैसले के बाद लिया है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि स्पीकर अभी बाकी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते, जो पायलट कैंप के लिए बड़ी राहत है। पायलट कैंप ने अपनी याचिका में कहा था कि अयोग्यता की कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि विधानसभा का सत्र चालू नहीं है, लेकिन अब गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर विधानसभा सत्र बुलाने के बाद गहलोत का मानना है कि वो कई बिल पास कराएंगे। कुछ बिल हैं जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन बिल को अब गहलोत सरकार पास कराएगी और पास कराने के बाद जो विधायक बाकी हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर वो एक्ट के रूप में सामने आ जाएगा तो जो ये विधायक लगातार बगावती हो रहे हैं तो शायद इनका स्वर दबाने के काम आ जाए। इसीलिए गहलोत अब राज्यसभा सत्र और विधायकों की परेड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो होना होगा वो तो होके रहेगा, ना तो गहलोत रोक पाएंगे ना तो सोनिया गांधी रोक पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कमेंट बॉक्स भर सकते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का जो ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है। जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है, ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, अब की बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, अब की बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़ियां सजा
सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।